तो हे गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल एंड नुमान आई एम ग्लोरिया। सो गाइस आज हम बड़े अच्छे होने वाले हैं एल्विस यादव की फैन एडिट्स के ऊपर। यार तो बहुत तगड़ी एडिट्स होने वाली हैं भाई। इस टाइम काफी लफड़े चल रहे हैं एल्विस भाई के। तो भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो बगैर देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अदनान शेख इज कमिंग बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड। मैंने किया तो बहुत मजे वाली बात होगी। अब तो मैं देखूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कटारिया वर्सेस अदनान भाई। तो अदनान भाई जिससे बनी नहीं सकती कभी अपनी ना। पिछली बार इसने मेरे को बोला था कि एल्विस के लिए मैं चूड़िया लेके आया हूँ, मिली नहीं मुझे अभी तक। फिर क्या गलत बोला भाई? गलत नहीं बोला, कुछ चीजें मिस। अच्छा जो हाँ जो स्टेटमेंट मैंने दिया था। क्या दिया? इंटरव्यू में। अच्छा मैंने किसी का मैनेजर बोला था उसको। हाँ क्या बोला? किसी का मैनेजर बोला था मैं। किसका मैनेजर बोला था? एल्विस का। अरे डर क्यों रहे हो यार, बी कॉन्फिडेंट यार। भाई खूब ही काफी है। मतलब वो नाम नहीं लेना चाह रहे थे बट अनिल कपूर ने निकलवा लिया। निकलवा लिया नाम तो। अनिल कपूर को भी फील हो रहा भाई, डर के बोल रहा बंदा। सही है भाई, खूब अच्छा लगा। तो वो वाली चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि अनिल कपूर जी ने बोला, कह रहा है किसका मैनेजर, जो उन्होंने बोला एल्विस का, तो उनके डर क्यों लग रहा तुम्हें बोलते हुए? सही डर था वो, अच्छा लगा मुझे अदनान की आंखों में डर भाई। और अदनान भाई के सपोर्ट में देखो कितने भी आ जाओ पहले, मुझे तो लगता नहीं कोई है, पर आ जाओ पहले उसके बाद बात करते हैं। अरे भाई मैंने मतलब जो सोच के बैठा था ना कि वाइल्ड कार्ड आएंगे जैन भाई टॉम टू हेल वाले, पर भाई ये टपक पड़ा अंदर बीच में। हाँ बट ये क्या, अभी मे बी और भी वाइल्ड कार्ड आ सकते हैं अंदर शायद। अगर आए तो भाई जैन भाई को एंट्री करवाओ यार अंदर। जिनका ना एक थोड़ा बहुत कंटेंट दे रहे हैं कटारिया भाई, ये कर रहे हैं थोड़ा बहुत अच्छा मेरे ख्याल से, तो जिनको मैं देख रहा हूँ भाई जो मुझे अच्छे लग रहे हैं इस टाइम, तो वही है। अगर जैन भाई आएंगे तो भाई और भी अच्छा हो जाएगा भाई, वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एल्विस यादव हो या उसका चाचा हो, दिल्ली से बंबई लाऊंगा मैं। मेरे बारे में बोलो, मैं तुमको लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है। इस वीडियो ना मैं बहुत बहुत डर के बना रहा हूँ भाई, बहुत डर लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं मुंबई में खड़ा हूँ एजाज भाई की नगरी में। उनने बोला था मुंबई में मेरे से सॉरी बुलवाएंगे, हमें सॉरी बुलवाएंगे भाई। पकड़ ले भाई, शेर कर रहे थे भाई। पहले तो ये बताओ शेर करते आया था या घर से कोई जंगल में गया था? मेरी गल गल बताओ भैया, हमारा रास्ता थोड़ा कठिन है। क्यों यार जीत लड़ाई मत करा करो भाई। अब देखो अब कहने को जो साई के तुमने हम कहते साई के भाई, ये तो चलो बिग बॉस की बात है, तू बाहर आ जाता, बाहर तो किसी के बस की ना कि ऐसे करते कटारे की गैल मारे होते हुए साढ़े पकड़ लेंगे जहाँ मिल गए। बात समझ में बालक पाले कर जैसे मेरे तो मन्ना आखिए भूत बना दूंगा। बस ये वाला ये बंदा घर में होता तो भाई क्या होता, मतलब कमाल हो जाना था भाई। ये बंदा होता तो सीधा इतना बोल लगे नहीं गिरता। हाँ। भाई ये सीन वगैरह नहीं भाई मतलब तो हाँ। इसकी हर मतलब तबाही थी भाई, बहुत लाइनर्स ही इन्होंने मार देना। हाँ
मुंबई में भूखा बच्चा। कह रहे हैं कि ट्रॉफी यही लेकर जाएंगे, विनर असली विनर अंदर आ गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए इनके जो हैं 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं, कि देखो फैजू और पता नहीं कौन से तैजू ये सारे एक मिल जाएंगे, इनके इतने मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। एल्विश आर्मी जहाँ आर्टिजन थोड़ा सा कोई भी होता है, जीत एल्विश आर्मी की होती है। वो जो गालियां दी ना आपने, वो यहां पर हम दोहरा भी नहीं सकते। और वो क्लिप निकाल दूं ना वो गालियों की, अच्छी की है इस बार। ये किसने एडिट कर दिया भाई, ये कोई सलमान भाई का मतलब, अगर सलमान भाई यहाँ होते तो सच में ये कह देना था उन्होंने। बट ये अनिल को पूरे इस दफा तो यार थोड़ा मिस कर रहे निकाल के जाऊंगा यहाँ से। सलमान भाई लगता है इस बार अंबानी जी की शादी में मसरूफ है। काइंड ऑफ फैंटेसी, ये इनमें से कोई नहीं बोलता छोड़ो। हां कोई नहीं बोलता अटैक भाई। नाइस, बिग बॉस में आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हो सर? कटारिया कपूर। बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो आप लोग? कटारिया। बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो? कटारिया। बिग बॉस में किसको सपोर्ट करते हो? कटारिया। यहाँ पर सब कटारिया के फैन है। बॉस के बाद एल्विश यादव जितना फेमस हो गया है ना, मुश्किल ये है कि लोग ना जानते हो उसको, और इंस्टाग्राम चलाने वाला ना जानते हो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी रीलें मैंने देखी नहीं है ना उससे ज्यादा तो लाइक रहते थे उन रीलों में। ऐसे ही है भाई, उनकी एडिट्स पे इतनी तगड़ी, हम तो शुरू से एडिट्स की तारीफ करते हैं यार। हाँ, अब भी करेंगे ऐसी एडिट्स किसी भी छोटे से छोटे पेज पे भी हो भाई, लाइक्स अच्छे काफी होते हैं उनके। ऐसे ही है भाई। कटारिया कुछ जीरो जीरो भाई, ये लास्ट है भाई, कुछ जीरो जीरो सबसे जल्दी घर से बेघर होने वाला सदस्य। रिकॉर्ड बना रहा भाई अदनान भाई, रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मतलब बनाने वाले हैं, पता नहीं सबसे कम घर में रहने वाले। पहले दिन ही निकाल दो इसे, एंट्री हुई एंट्री के उसके बाद न्यूज बताने लग गया। तो भाई बिग बॉस भी सही चीज, अखबार भेज दिया, कह रहा फिर अखबार आ जाएगा तेरी जगह, तेरी का जरूरत है इधर। नाइस, मतलब बातें सारी को नॉमिनेट हो गए थे ना। हाँ, वो सीन था भाई खतरनाक। यानी हवा ये देख भाई, चार बार सॉरी बुलवा दी इससे, सॉरी बॉस दोबारा नहीं, छह बार सॉरी बुलवा दी, सॉरी बॉस गलती हुई, बॉस सॉरी 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 बॉस सॉरी गलती हुई। एल्विश भाई की थोड़ी पहुंची नहीं अभी तक। एल्विश भाई तो पूरे मजे ले रहे हैं भाई इतना। हम तो भाई वेट कर रहे हैं, हाथ में हाथ खाली पड़े देखो हमारे। मेरे तो कह रहा हूँ चूड़ी पर आऊंगा, चूड़ियाँ फिर वही बात करते हैं। दया आ रही है, एक और सॉरी आएगी, सॉरी। मुझे एल्विश इसलिए पसंद है क्योंकि वो बंदा कुछ भी कर ले, उसमें ईगो नहीं है कि वो जो भी बोलेगा, या अगर एंगर इश्यूज में कुछ बोल भी गया या कर लिया उसने तो वो उसी पे स्टिक रहेगा। मुझे काफी वेट था, मुझे ये कल रील नजर आई है ये वाली कि इनका भी रिप्लाई आएगा। अब ये पता नहीं लेटेस्ट इंटरव्यू है इनका क्या सीन है, तो उसमें समझदारी है, वो इंसान अच्छा है। उसके डैड से भी जब मैं मिला था तो मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आई थी, ही बिलोंग्स टू अ वेरी गुड फैमिली। कड़वी जुबान तो कई बाड़गा की है, मतलब बड़ों बड़ों की भी है, बट आज मेरा टिट फॉर टैट करने का जी हो रहा तो नेजी भाई को बुलाना चाहूँ। नेजी भाई की जुबान कड़वी ना है, नेजी भाई की जुबान ही ना है, क्योंकि नेजी भाई बोलता ही ना। ये सही है भाई, पर्सनल ले गया। नाइस यार, अच्छी थी। और रही बात फिर से बात करेंगे एडिट्स की,
अब क्या पता जब तक ये वाली वीडियो आपके पास आएगी तो कुछ ना कुछ हल निकल भी गया हो, कोई लाइव शाइव आ गया हो तो ऐसे तो भाई ये लफड़ा बहुत बड़ा आने वाला है इजाज खान के साथ, उनसा तो अदनान भाई के साथ, अदनान भाई के साथ भी एलविश भाई का लफड़ा चल रहा है इस टाइम। एलविश भाई तो फुल भाई एंजॉय कर रहे हैं उनको, जब इनकी बिग बॉस बेइज्जती वगैरह करते हैं तो एलविश तो बहुत खुश होते हैं ऐसे। या भी तो एलविश भाई इनको बोल रहे हैं कुड़िया देके जा मेरे को जो भी करता है। तो भाई बात करें वीडियोस की, काफी अच्छी वीडियोस है, मतलब काफी अच्छी लगी हैं भाई। अगर आप लोग चाहते हो कि हम इस तरह एलविश भाई के ऊपर रील्स लेकर आते रहें, रिएक्शन लाते रहें, तो भाई हम इंस्टाग्राम पे आप रील्स सेंड किया करो, अच्छी अच्छी एडिट सेंड किया करो भाई, इनके ऊपर जरूर रिएक्शन लेकर आएंगे। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तो देखेंगे, टेक केयर।